हेलो दोस्तों, क्या हाल है। वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है सुमित। आज इस वीडियो में मैं दो जॉब अपडेट, दो कंपनी से अपडेट आई है जॉब के रिलेटेड, तो मैं आपसे वो डिस्कस करने वाला हूं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी रिक्वेस्ट करता हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि रियल टाइम बेसिस पे मैं आपको जॉब अपडेट, जॉब इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन मिल पाए। दोस्तों, इस चैनल का जो मेन पर्पस है ना, वो है आपको जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना। ये कंटेंट इजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, मैं काफ़ी रिसर्च करता हूं आप लोगों के लिए, ताकि आपको इजीली जॉब अवेलेबल हो सके मेरे चैनल के थ्रू। तो आप मुझे सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को भी शेयर जरूर कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी सजेशन, करियर गाइडेंस, मेंटरिंग सेशन या कोई भी करियर रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, तो यू कैन आस्क मी, आइदर यू कैन कमेंट मी और यू कैन आस्क माई नंबर और यू कैन ऑल्सो सेंड मी मेल। मैं आपकी डेफिनेटली हेल्प करने के लिए कोशिश जरूर करूँगा। तो दोस्तों, आज दो कंपनी से जो अपडेट है, दोनों गवर्नमेंट कंपनी है। टोटल नंबर ऑफ सीएस की वैकेंसी, कंपनी सेक्रेटरी की टोटल 3 वैकेंसी है। इसके साथ साथ चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट, जिन्होंने बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किया है उनके लिए भी वैकेंसी है। जिन्होंने एमबीए किया हुआ है, एमबीए फाइनेंस, एमबीए इन एचआर या सोशल साइंस, जिन्होंने सोशल वर्क में एमबीए किया हुआ है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी वैकेंसी है, जूनियर से लेकर सीनियर लेवल दोनों की वैकेंसीज है। तो डिटेल में इस वीडियो में आप बने रहिए, ताकि आपको डिटेल पता चले कि आपको अप्लाई कैसे करना है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एक गवर्नमेंट कंपनी है, यहाँ पे टोटल 1 वैकेंसी है कंपनी सेक्रेटरी की, और साथ ही साथ ही शुड बी अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई। यस, अगर आपके पास मेंबरशिप है आईसीएसआई की और मिनिमम 60% अगर आपने स्कोर किया है ICSI की फाइनल एग्जाम में, मतलब CS प्रोफेशनल में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। 60% मिनिमम चाहिए CS प्रोफेशनल्स में। साथ ही साथ अगर मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस अगर आपके पास है एज अ कंपनी सेक्रेटरी किसी अच्छी कंपनी में, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए। मैक्सिमम एज कैंडिडेट का 28 साल के ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर दोस्तों सैलरी के बारे में बात करूँ, तो 73,000 के आसपास पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाला है, जो कि परमानेंट जॉब है और एग्जाम के थ्रू रिक्रूटमेंट होने वाला है। आपको यहाँ पे एग्जाम देना पड़ेगा तो आप एलिजिबल होते हो, अगर आपने एग्जाम क्रैक कर दिया तो। साथ ही साथ जूनियर अकाउंटेंट की भी वैकेंसी है, जिसमें अराउंड आपको 50,000 के आसपास सैलरी मिलता है। जिन्होंने सीए इंटर या आईपीसीसी क्लियर किया है या फिर सीए में इंटर क्लियर किया है, हैविंग मिनिमम 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, दे कैन अप्लाई इनटू दिस कैटेगरी। नंबर ऑफ वैकेंसी 5 है। मैक्सिमम एज कैंडिडेट का 28 ईयर के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट की भी वैकेंसी है, जिन्होंने एमबीए किया है, या फिर सिस्टम इंजीनियर की वैकेंसी है, 1 वैकेंसी है। साथ ही साथ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या यू कैन ऑल्सो से कि सीनियर अकाउंटेंट की 3 वैकेंसीज है, जिसमें सीए, सीएमए और एमबीए जिन्होंने किया है विद मिनिमम 60% दे कैन अप्लाई। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस चाहिए आपको, मैक्सिमम एज इज 28 ईयर्स। इसके साथ साथ एचआर, एमबीए एचआर जिन्होंने किया है वो भी एलिजिबल है यहाँ पे अप्लाई करने के लिए। मिनिमम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए उनके पास। अच्छी अपॉर्चुनिटी है और जॉब लोकेशन जो आपका रहने वाला है वो जॉब लोकेशन दिल्ली में है। यस, जॉब लोकेशन इज इन दिल्ली। अच्छी अपॉर्चुनिटी है और लास्ट डेट अप्लाई करने की है 29 अक्टूबर 2022। अप्लाई कैसे करना है दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एडवर्टाइजमेंट की कॉपी मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसे रीड कीजिए कि आप एलिजिबल हो कि नहीं हो। अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। दूसरी वैकेंसी के बारे में अगर बात करूं, तो वो वैकेंसी है आरईसी लिमिटेड। ये भी एक गवर्नमेंट कंपनी है जो कि गुड़गांव में है, गुरुग्राम में, यूपी। नंबर ऑफ वैकेंसी टोटल 3 वैकेंसीज है, जिसमें 2 सीएस की वैकेंसी है और 1 सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में वैकेंसी है सीनियर ऑफिसर की। तो आप अप्लाई कर सकते हो इन दोनों में। तो डिटेल में समझ लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। जॉब लोकेशन वही दिल्ली गुड़गांव रहने वाला है आपका। इसमें असिस्टेंट मैनेजर का डेजिग्नेशन रहने वाला है आपका। और सैलरी की बात करूँ ना दोस्तों, तो बेहतरीन सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। 16 लाख रुपये पर एनम आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। जॉब लोकेशन दिल्ली गुड़गांव रह सकता है आपका। एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट अगर मैं बताऊँ, तो मिनिमम 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन। यू शुड बी अ मेंबर ऑफ आईसीएसआई, जिसमें आपको 16 लाख का पैकेज मिलने वाला है।
यू शुड बी अ मेंबर ऑफ ICSI, मैक्सिमम एज 35 के ऊपर नहीं होनी चाहिए, नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, सैलरी 16 लाख पर एनम, 16 लाख रुपए आपको यहाँ पे मिलने वाली है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 1 लाख रुपीस सैलरी है आपका पर मंथ, सब कुछ काट पीट के 1 लाख के आसपास आपकी सैलरी रहने वाली है। सेक्रेटरियल ऑफिसर की भी वैकेंसी है, असिस्टेंट ऑफिसर, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी 2 है, मैक्सिमम एज इज 40 इयर्स, जिन्होंने ग्रेजुएशन किया है किसी भी स्ट्रीम में और जिनका अच्छा कमांड बैठा हुआ है एमएस ऑफिस में और जिनको टाइपिंग अच्छी आती है, उनके लिए वैकेंसी है। नंबर ऑफ एक्सपीरियंस, ईयर ऑफ एक्सपीरियंस 12 साल, आपका सेक्रेटरियल डिपार्टमेंट में एक्सपीरियंस होना चाहिए तो आप अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, REC में लास्ट डेट अप्लाई करने की है 27 अक्टूबर 2022, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस बिल्कुल ना कीजिए। जिन्होंने MBA किया है HR में, फाइनेंस में, सभी एलिजिबल है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एडवोकेट तो नहीं है, काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और अप्लाई कैसे करना है, जैसे मैंने आपको बता दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी एडवर्टाइजमेंट की, आप डाउनलोड कीजिए और रीड कीजिए कि अगर आप एलिजिबल हो तो ही अप्लाई कीजिएगा, डिटेल में आपको वहीं से और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को मैं यहीं एंड करता हूँ, धन्यवाद।